मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले एक मुख्य आरोपी का घर भीड़ ने फूंक दिया है। यह घटना चेकमाई इलाके की है। अचानक से आई भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि आग लगाने वाले लोगों में अधिकतर महिलाएं हैं। मुख्य आरोपी का नाम खुईरूम हैरादास है। आपको बता दें कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न कर उनके साथ दरिंदगी करते हुए वायरल हुए इस वीडियो के मामले में मुख्य आरोपी खुईरूम हैरादास को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। अभी तक पुलिस इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हैरादास की उम्र 32 साल की है। पुलिस ने इसकी पहचान वायरल हुए वीडियो से की है, जिसमें वह हरी टी शर्ट पहने में दिखाई दे रहा है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक हैरादास ही इस मामले में मुख्य आरोपी है। वायरल हुए इस वीडियो के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 12 टीमें लगाई गई हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। IGLF के प्रवक्ता ने बताया कि यह वीडियो कांग पोखरी जिले में 4 मई का है, जिसमें महिलाओं को नग्न अवस्था में दर्शाया गया है। इस वीडियो में पुरुषों की भीड़ पीड़ित महिलाओं से लगातार छेड़छाड़ करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पीड़ित महिलाएं बंधक बनी हुई हैं और लगातार अपनी मदद की गुहार लगा रही हैं। उन्होंने बताया कि अपराधियों ने इस वीडियो को बनाने के बाद वायरल भी कर दिया, जिससे इन निर्दोष महिलाओं द्वारा झेली गई भयावह यातना कई गुना बढ़ गई। शिकायत के अनुसार मणिपुर में पहली बार हिंसा भड़कने के एक दिन बाद यानी 4 मई की दोपहर करीब 1000 लोग AK राइफल्स, SLR, इंसास और .303 राइफल से हथियारों के साथ बी फिनोम गाँव में घुस गए थे। इस दौरान उन्होंने गाँव में तोड़फोड़ की, संपत्तियाँ लूटी और घरों को जला दिया। शिकायत के अनुसार लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और इस दौरान 5 लोग खुद को बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गए। इनमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थी, जिनमें 56 वर्षीय एक व्यक्ति, उसका 19 वर्षीय बेटा और 21 वर्षीय बेटी के अलावा 22 वर्षीय और 52 वर्षीय महिलाएं भी शामिल थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।